हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ ऑपरेटिंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, हमें व्हीकल्स का सेफ ऑपरेशन और ऑपरेटिंग करनी है। मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या वो कितने सेफ है व्हीकल्स, ठीक है, और फिर हम ये भी देखेंगे क्या वो हम उसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। हैवी व्हीकल को हमें कैसे ऑपरेट करना है, कोई भी हैवी इक्विपमेंट है उसे कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ये टॉपिक है और इसमें हैवी व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इस इमेज में। इस तरीके की बहुत सारे JCBs हुए, ठीक है, रोड रोलर्स हुए, इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है तो ऐसी मशीन्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ग्राइंडरिंग मशीन भी होती है तो ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनके लिए जनरल सेफ्टी क्या रहता है अपना, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हैं, ठीक है, उनके साइलेंसर्स ठीक हैं यानी टेल लाइट्स ठीक हैं यानी ब्रेक जो हैं वो ब्रेक ठीक से वर्क कर रहे हैं यानी रिजर्विंग अलार्म जो हैं वो बज रहे हैं यानी और लाइट जो हैं उनकी जो फॉरवर्ड लाइट्स और बैकवर्ड लाइट वो मूवमेंट्स पे जो चलती है ना, एक मतलब इंडिकेशन लाइट्स जो रहती हैं, जैसे इंडिकेटर रहता है गाड़ियों में वैसे एक इंडिकेशन लाइट रहती है जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स रहते हैं उनमें, जैसे कि वो आगे जा रहा है तो ब्लिंक करेगा, पीछे जा रहा है तो ब्लिंक, इस तरीके की लाइट्स ये भी चेक करनी होंगी कि वो काम कर रही हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल सेफ्टी में यही आता है कि हम ये सारी चीज़ें चेक करें क्योंकि अगर साइलेंसर खराब होगा तो कहीं ना कहीं नॉइस करेगा, नॉइस करेगा तो हमारे वर्क पे भी इफेक्ट पड़ेगा, काम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेफ ऑपरेटिंग में यही देखेंगे कि हमारी जो व्हीकल है उसमें ऐसी आवाज़ें तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये हम उसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने वर्क प्लेस को सेफ रखना है। सेफ रखना है तो हम हैवी व्हीकल्स हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करेंगे जर्नल रिक्वायरमेंट की, तो हमें जर्नल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए उस ट्रक का जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, कि वो ऐसा तो नहीं जो ट्रक है उसका ड्राइवर जो है उसके पास परमिट्स हैं या नहीं, लाइसेंस हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी, जर्नल रिक्वायरमेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद जो भी काम चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जो काम चल रहा है, मतलब एक सामान से दूसरा सामान जो आ रहा है ट्रक्स के थ्रू, उनका गेट परमिट बना हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी आपकी साइट पे आके कोई भी अननोन व्हीकल जो है वो अंदर आ रहा है जा रहा है, तो क्या हमें आउटसाइडर्स को हमें रोकने होते हैं ना, विजिट्स पे आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना है उनके वर्क परमिट चेक करना है, जो मटेरियल हमने मंगाया था वही मटेरियल अंदर आ रहा है यानी ये भी चेक करना है, किस क्वालिटी का मटेरियल आया है, ठीक है यानी, ये सारी चीज़ें हमें डोर पे चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि जो भी मशीन है, मान लीजिए अंदर वर्क चल रहा है तो वो मशीन जो है वो, जैसे कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे कि कैरिंग मशीन रहती हैं, व्हीकल जो रहते हैं जो सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए लिए जाते हैं यूज़ में, तो क्या वो ठीक है या नहीं, मतलब उनका जो मेंटेनेंस है वो किस समय किया गया था, ये सारी चीज़ें चेक करना। ठीक है, जो भी जैसे कि जो खतरे वाली जगह है वहाँ पे व्हीकल्स ना जाने पाएँ, क्योंकि क्या होता है जो खतरे वाली जगह, जैसे मान लीजिए गड्ढा वड्ढा खुदा हुआ है वहाँ पे और वहाँ पे किसी को अगर जाना है वर्क करने के लिए, तो हमें ये भी चेक करना होगा कि वो जो एरिया है वो सेफ है या नहीं, तो सेफ़ नहीं है तो हमें उसकी कंडीशन ठीक करा के तभी हम वहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की क्या है, ये हमारे व्हीकल ऑपरेटिंग सेफ्टी रहती है कि हम व्हीकल्स को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग में और ऑपरेशन में यही चीज़ें चेक की जाएंगी। ऑपरेशन में हम ये देखते हैं कि उसका व्हीकल की कंडीशन कैसी है, क्या वो वर्क कर रहा है, उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं, ब्रेक्स ठीक हैं या नहीं, किस कंडीशन में, ये सारी चीज़ें, उसे ऑपरेट करने वाला जो भी बंदा है क्या वो उसे ठीक से ऑपरेट कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट में उसका सर्टिफिकेशन है उस ट्रक का या नहीं, वो किस किस जगह पे है, सेफ गैंगवे बना हुआ है या नहीं, लोडिंग और अनलोडिंग किस तरीके से हो रही है लॉरीज की, ट्रक्स की, है ना, ये सारी चीज़ें चेक करना। कैरिंग कैपेसिटी क्या है ट्रक की, ऐसा तो नहीं ओवरलोड करके आप भेज रहे हो, ओवरलोडेड होके जाएगा तो वो भी एक रिस्केबल चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर्स अगर आपके यहाँ हैं तो ध्यान रखें कि जो भी मूव्ड लेवल ग्राउंड लेवल है उनका कैसा चल रहा है। ठीक है, बुलडोजर्स अगर हैं आपके यहाँ तो वर्क चल रहा है तो उनका भी एक अलग रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें सेफ्टी जितनी हम रखेंगे ना इन इक्विपमेंट में, क्योंकि हैवी व्हीकल होते हैं जैसे रोड रोलर हो गया, बुलडोजर्स हो गए, तो इनके लिए ना थोड़ा सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए
जैसे कि रोड रोलर है तो इसका एग्जामिन करना कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है ग्राउंड पे, ठीक है। रोड रोलर जो ग्राउंड पे चल रहा है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या उतना फ्लोर गेन कर रहा है यानी कहाँ उसकी ज़रूरत है कहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम रोड रोलर लेके कहीं भी उतर गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसकी कुछ जनरल गाइडलाइंस है, जैसे कि फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, इक्विपमेंट को उसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे प्रॉपरली रखना है, सिस्टमेटिक मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे करना है, ट्रेंड ऑपरेटर्स इसके हैं यानी जो भी ट्रेंड है वही पर्सन यूज़ करे, जो भी रिपेयर कर रहा है उसके बारे में उसे नॉलेज हो, ऑपरेशन प्री ऑपरेशनल अगर उसका हो रहा है तो इंस्पेक्शन उस इक्विपमेंट का करना बहुत ज़रूरी है, और रिव्यू मैन्युफैक्चरिंग उसका ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी इक्विपमेंट को हम ऑपरेट कर रहे हैं उसका अगर मेंटेनेंस किया गया है तो उसके बाद रिव्यू आना चाहिए क्या ये ठीक से अभी वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा, भी सेफ ऑपरेशन ऑफ व्हीकल और इक्विपमेंट के ऊपर बात की। तो इसमें क्या है, हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि उसे ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेट अगर पता है तो उसका ऑपरेशन जो भी ये वेज हैं सेफ रखने के लिए काम को उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो जर्नल सेफ्टी मैंने आपको बताई और ये जर्नल रिक्वायरमेंट्स बताई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इनके ऊपर ध्यान देते हैं तो होने वाले जो हैवी व्हीकल्स वगैरह से होने वाले एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उन पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आज ही आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से इस टॉपिक के बारे में बताया। सो थैंक यू।